सबसे अच्छा ट्रिक्स आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है फ्लेक्स प्रिंट और ये इम्प्रेशन, और बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इसमें क्या है, ड्राइंग बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आर्ट सीखना है तो आपको ड्राइंग प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। लेकिन जब बिजनेस है, जब आपको प्रोडक्शन करना है, तो उस टाइम तो टाइम लगेगा, तो उस टाइम आपको ये शॉर्टकट प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। और एक चीज है, यहाँ पे मैं चार अलग अलग डिजाइन, अलग अलग साइज, डिजाइन सेम है सॉरी, लेकिन साइज अलग है। तो ये चार साइज के लिए आपको चार अलग अलग प्रिंट जरूरी है, क्योंकि सही मेजरमेंट नहीं होगा, प्रोपोर्शन ठीक नहीं होगा तो मुश्किल है। तो देखिए यहां पे कॉइल लगा दिया मैंने मिट्टी के ऊपर, चारों साइज का अलग अलग मेजरमेंट से कॉइल होने के बाद इसको पॉलिश फिनिश कर लिया। देखिए इसमें डिटेलिंग बहुत काम है, टाइम पेशेंस आपको रखना है। तो पॉलिश करने का बाद आपको डिजाइन में जाना है, लेकिन पहले ये सरफेस स्मूथ होना चाहिए, कॉइल जो मैंने लगाया रापन टैप, इसको स्मूथ होना चाहिए। मेरा प्रोसेस जो है, ये चार पीस एक साथ काम शुरू करना है। ये चारों को जो अलग अलग साइज है आपको पता नहीं चल रहा है अभी, है ना, लेकिन ये देखिए आज इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें मेन जो है कुछ छोटा छोटा डिजाइन बनाना है इसमें, ठीक है। तो छोटा छोटा डिजाइन के लिए हम लोग को कुछ टूल्स बनाना है। देखिए ये पेन है, नॉर्मली ये पेन है, इसमें क्या करें, इसमें एमसील लगा के इस बंद कर दिया पहले, इस साइड में बंद करने का बाद ऐसे इसमें गड्ढा बनाएंगे हल्का सा, ठीक है। ये गड्ढा बना के अभी रख देता हूँ, ये हार्ड होने का बाद आप लोग को दिखाऊंगा ये कैसे इसको यूज करते हैं। देखिए ये हार्ड हो गया, ठीक है ना, ये गड्ढा टाइप का है, इधर भी मैंने बना लिया एमसील से। तो ये दो अलग अलग साइज हो गया, ये एक साइज हो गया ढक्कन का, ये देखिए एक साइज हो गया, ये तो मैंने पहले से बना हुआ था, ये बहुत छोटा है, लगभग तो तीन चार टाइप का मेरा ये राउंड बन गया। अभी इसको यहाँ पे कैसे यूज करते, ये देखिए ऐसे। ये मिट्टी में चिपक सकता है, इसीलिए बीच बीच में आपको जो टालकम पाउडर है, नहीं तो फ्रेंच ऑफ पाउडर, इसमें लगा दीजिए, ठीक है। इस टाइप का डिजाइन राउंड आप बना के रख सकते हैं, क्योंकि बहुत काम आता है। ये भी छोटा छोटा हैंडमेड टूल्स आपका बन जाएगा, और ये जब अलग अलग साइज का आप अलग अलग डिजाइन बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, तो उस टाइम बहुत अच्छा काम पाएगा। ये जो डिजाइन है, ये पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ पे क्या डिजाइन है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ अपना हिसाब से इसको सुंदर बनाना है। ये ब्लॉक ब्लॉक बनेगा, ठीक है ना, ये साइज है 24x36 का है। गोलाई को ऐसा नहीं है कि, देखिए यहाँ पे मैंने एक मोटा सा गोलाई राउंड, उसका नीचे छोटा राउंड, ठीक है ना, उसका सेंटर में उसका प्रोपोर्शन का हिसाब से मैंने असेंबल किया। ये देखिए ये वाला लगभग कंप्लीट है, जो स्पॉट मतलब वो जो गोलाई गोलाई टूल्स में ऐसे काम किया था, ये भी हो गया दूसरा साइज, ठीक है ना, मीडियम साइज है, इससे छोटा ये और इससे छोटा ये लास्ट। तो ये चार अलग अलग साइज है, तो ये दो को कंप्लीट करना है, तो आज इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये क्रैक आ गया, ठीक है ना, मिट्टी हार्ड हो गया, ये नीचे से हार्ड घुस गया, इसीलिए ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया, ठीक है ना। तो इसको मिट्टी लगा के अभी इसको ठीक करना है, नहीं तो ये गिर जाएगा पूरा टाइल्स। ये थोड़ा सा पानी दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पानी स्प्रे करके।
ये देखो ये ना ये हिल रहा है, ये देखो दीवार से एकदम पूरा उठ गया। इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही मिट्टी से अभी रख देता हूँ। इसको अच्छा से पानी देके ढकेंगे ना तो ये फिर से नरम हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा फिनिश करके अभी रख देता हूँ, बाद में जब इसको मोड़ लेंगे ना उसको ठीक करेंगे। फाइनल ये छह अलग अलग है लेकिन इसमें छोटा साइज है, तो ये छोटा साइज का ये ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे दो मोटिव्स है तो इसको बना लेता हूं। ये मूर्ति का नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए, और जो फेशियल एक्सप्रेशन है, ये जो फोटोग्राफ है फोटोग्राफ से मैं थोड़ा सा और भी अच्छा बनाने का कोशिश किया लेकिन हुआ कि नहीं हुआ आप लोग बताइए, ठीक है। और फाइनली कैसे मेरा हाथों में कैसे बनाया आप लोग कमेंट कीजिए और आप लोग भी बनाइए। देखिए मैं जो शॉर्टकट प्रोसेस बोला ये मत कीजिए क्योंकि आपको सीखना है, ठीक है। फ्री हैंड ड्राइंग कीजिए। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी क्या करें, अभी ये वाला एकदम सबसे छोटा वाला, ये बहुत ही छोटा है तो इतना बड़ा नहीं चलेगा। ये देख के पता लग रहा है आपको सबसे छोटा है, ये 8 इंच बाय 12 इंच का है, तो इसमें भी डिजाइन आपको डिटेल करना है। ये वाला है सबसे बड़ा, ये मीडियम साइज का है, ये इससे छोटा है और ये सबसे छोटा है, और इसका जो अलग अलग साइज है फ्रेम का हिसाब से इसको मोल्ड करेंगे, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अभी इसको ब्लॉक का हिसाब से कटिंग कर लिया और इसको फाइबर मोल्ड करना है। तो प्लीज़ मेरा चैनल पर रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए, साइड में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और मेरा साथ में रहिए, अपलोडेड सब वीडियोस देखिए। थैंक यू।